गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन प्रोस। सो मैं अभिषेक, मैं आकाश लाए एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ जो कि ये बताएंगे। सो गाइस आज हम तारक मेहता की फनी वीडियोस पे रिएक्शन करने वाले हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो उस चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइस फटाफट से हम इस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। भाई मैं इधर मर रहा हूँ, बताने के लिए मुझे बताना था प्लीज। सॉरी सॉरी। तो आ जेठालाल बोल, क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलो जेठालाल, बोलना कैंसिल क्यों कर दिया? अबे साले। अरे भाई तुम लोग बोलने का मौका दोगे तब बोलेगा ना अगला। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ जेठालाल, बोलो बोलो। अभी भाई बीच में किसी का बोलना बाकी है तो बोल लो, बाद में बोलता हूँ मैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्माराम का बोलना बाकी। आत्माराम बोल। आश मुझे कुछ नहीं बोलना है यार। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ बोलो। ये माँ का तो आ गए। तो यार बहुत टाइम से अपन ने अपने चैनल पे कोई भी थग लाइफ वीडियो नहीं डाली है और तुम सबके भी कमेंट आ रहे थे कि यार जेठा थग लाइफ बनाओ, जेठा थग लाइफ बनाओ। तो बस फिर क्या था, कोई बात तुम कहो और वो बात मैं ना मानूं, ऐसा तो नहीं सकता। तो यार तुम सबके कहने पे मैं जेठा थग लाइफ का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। लेकिन 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 उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। चलो बबीता जी मैं चलूं, थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या पैकिंग वैकिंग सब बाकी है और टाइम बहुत कम है। तो मैं आऊँ आपको पैकिंग में मदद करने के लिए? प्लीज प्लीज भगवान ऐसी परीक्षा मत लीजिए। जेठा जी क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था क्या क्या काम बाकी है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं, मैं कर लूंगा बबीता जी। थैंक यू थैंक यू। श्योर, क्योंकि मैं वैसे भी फ्री हूँ, मैं आ सकती हूँ आपको हेल्प करने के लिए। प्यार की भाई भीड़ है ये बालों की बात पे तू ज्यादा हंस मत भाई, तू ज्यादा चुप ही रहना चाहिए। क्यों क्यों क्या बालों की हाइयर शॉर्टेज तो तेरे पास खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। गजब बेइज्जती है। अरे वाह ये कौन है? इंजमामुल हक का बचपन। रुको जरा करो। अंकल ये मेरा कजन है मोंटी। वाह गोली का भाई कैप्सूल। मेहता साहब सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये टपू नहीं सुधरेगा। अरे क्या जमाना आ गया, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो कि शर्म आए? नाम मतलब सुंदर का मेरे सामने। जय जेठालाल। अरे आपका साला तो लाखों में एक है, लाखों में एक। लाखों में नहीं करोड़ों में है। क्या करोड़ों में चाहिए आपको? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? खेलेंगे। हाँ भाई चलो। हाय जेठा जी। हेलो सोटी जी। चलो सोटी जी। किधर? अरे किधर क्या, घर पे इतनी लेट तक ऐसे बाहर नहीं रहता भाई। तो फिर मैं चलूं? तुरंत। अरे हाँ हाँ चलो भाई। हाँ चल बाय। हाँ इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया मीटिंग में तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसमें फायदा नहीं। तो अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon the street. ठीक है
चलिए मैं बंगाली सीखने को तैयार हूँ, सिखाइए मुझे। ओके। वैसे मुझे वो एक वक्त के आता है, वो बच्चन साहब के गाने में आता है ना, हमें तुम्हारे भानो बासी। इसका मतलब मालूम है तुमको? नहीं। इसका मतलब होता है आई लव यू। माँ पूछ रही है कि इस बार कितना दान हुआ? क्यों, उधर किसी को हिसाब देना है माँ को? अरे सामान्य ज्ञान बताइए ना, माँ राह देख रही है। 1,03,300 आगे स्वाद गजब बेइज्जती है। ओहो गर्मी 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 ठंडक। बड़ा हैरान हूँ मैं। अंजलि बता कुछ बोल रही है। एक मिनट, क्या क्या अंजलि मामी? जीता भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये गोकुलधाम सोसाइटी है कि रेलवे स्टेशन? इतना धक्कम धक्का, भीड़ भाड़, अच्छा लगता है क्या? नहीं बराबर आपकी बात, सॉरी सॉरी। ये देख तेरी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। ओ भाई, ओ डॉक्टर, आहिस्ता आहिस्ता। ओ बबीता जी है मतलब वो चाहिए आप? अच्छा, बबीता जी है, फिर उसके पहले वो माधवी जी थी, उसके पहले अंजलि बाबी जी, ऐसे है बबीता जी, ऐसे बोल रहा हूँ। बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, माधवी बाबी के घर से आचार लेके आ रहे हैं? कौन सा आचार है? नींबू का। ले बोला, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कैसे? मुझे भी नींबू का आचार बहुत पसंद। लाइन मार रहे हो। पापड़ कौन सा? हाँ, मूंग मेथी। बोलो, हमारे ख्यालात मतलब कितने मिलते जुलते हैं। मैं भी बबीता जी अब यकीन नहीं करेंगे, कोई पापड़ ऐसा टच नहीं करता हूँ, एक ही खाली है मूंग मेथी बस। रुको जरा, सबर करो। पर ये सब मेरे लिए नहीं है, ये तो अय्यर के लिए है। म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। बोलो। एक बार और ख्याल मिल गए हमारे। मैं भी नहीं खाता ये सब। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। ये तो बरसों पहले खाता था, ये सब बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। करिए हाँ, अब कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। क्यों? जेठालाल। हाँ आप पूछो। हाँ तो पूरी फॉर्म में। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ? नहीं मतलब मैं अपने घर, आप अपने घर। ओके, आई सी यू देन। ओके, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। हाय, मैं मर जाऊँ। गजब बेइज्जती है। इधर ही घर है मेरा। टप्पू टप्पू, खेलने का नाम सुनते ही सब कुछ भूल जाता है। जैसे दुकान का नाम आते ही आप सब भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही। ये तूने बिल्कुल बराबर बोला दया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखना दया, अपना टप्पू है ना, बड़ा होकर इतना बड़ा क्रिकेटर बनेगा कि उसकी बोली लगेगी, और सबसे महंगा टप्पू भी क्या का देखना। अब्बा भोकी कसाई, मैं अपने टप्पू को कभी बेचने नहीं दूंगी।
खाइए मेरी कसम कि आप टपू को कभी नहीं बेचेंगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे बेचने के लिए थोड़े ना बड़ा करते हैं। माँ बाप है कैसे ही थोड़े ना, ये सिर्फ बेटी का है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे भैरे हो गए क्या? अरे भीड़े भाई बुला रहे हैं आपको। वो सुनने के लिए भगवान ने मुझे भी कान दिए हैं। जेठा जी, हाय। हेलो जेठालाल, गुड मॉर्निंग। हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको। नहीं चाहिए रसगुल्ले। सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तकलीफ हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, आज आप ये शर्ट में टॉप लग रहे हो, आपको किसी की नजर न लग जाए। ओके बाय। ओके बाय। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू बबीता जी। खत्म। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पे तुम 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब ठोको। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। सो गाइस, आपने वीडियो देखी होगी, बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो थी, बहुत ज्यादा गाइस। स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइस, मतलब मैंने जितनी भी पूरी प्रॉपर देखी ना, मतलब मैं तो हंसी नहीं रुक रही थी मेरे तो, मतलब सारे के सारे उनको पार्ट बहुत ही बढ़िया लगे। और गाइस आप भी बताना आपको कौन सा फेवरेट पार्ट था, कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे जो मेरा फेवरेट लगा, मेरे को लगा भिड़े की जब पास हाइएस्ट सॉफ्टेज वाला था, उसके बाल हाइएस्ट। ओ भाई बहुत मतलब मजे आ गए, बहुत बेस्ट पार्ट था। और जो आपको आपके जो बेस्ट पार्ट हो उसको कमेंट करना, और भाई के चैनल के लिंक भी डाल दूंगा, उसको जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज। इस पे लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना। सो गाइस, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।